हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ पे देख सकते हो ड्यूक है अपने पास में 390 BS6 और हमारे पास है गोरिल्ला 450। इन दोनों का हम लोग परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाले हैं और आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि कौन सी गाड़ी बढ़िया होने वाली है। पावर फिगर की बात करूँ, ड्यूक में आपको 43 PS की पावर मिलती है, 37 Nm का टॉर्क मिलता है, और अगर मैं गोरिल्ला की बात करूँ यहाँ पे 40 Nm का टॉर्क मिलता है, 40 PS की पावर मिलती है। तो पावर वाइज गोरिल्ला 450 ज़्यादा है, बट क्या ये ड्रैग में जीत पाएगी ड्यूक से, वो हम अभी इस रोड में दिखाएंगे, क्योंकि भाई इसने बहुत सारी गाड़ियों को बीट कर दिया है 400 CC की, मतलब 300 to 400 CC की। अब ये देखेंगे कि भाई ड्यूक को बीट करती है कि नहीं करती है। फिलहाल चलते हैं और दिखाते हैं आपको बिना किसी देरी के, ताकि बोर भी ना हो आप। हमारे साथ में शैडो व्लॉग, जिनका वेट मेरे से ना 15 kg कम है, और 15 kg कम का उनको एडवांटेज मिलता है कि नहीं मिलता है वो भी हम चल के देखेंगे। बाकी कैमरा में देख रहा हूँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल रहा है बढ़िया, बैटरी भी बढ़िया है। चलिए स्टार्ट करते हैं और शैडो व्लॉग को हराते हैं, मतलब कोशिश करेंगे भाई। फिलहाल उम्मीद तो है गोरिल्ला कुछ कर पाएगी, बाकी तो ड्यूक भाई पावरफुल है, उससे पंगा लेना भी एक तरीके से अपने ही ऊपर लेना है। था लेकिन ड्यूक निकल गई भाई। अभी तक जितने के साथ हमने उसका किया है गोरिल्ला का, गोरिल्ला इनिशियल अच्छा था, लेकिन जहाँ बात आती है भाई पॉकेट वाकेट की ना, तो भाई अच्छे अच्छे भाई इसके पीछे रहते हैं, और वही भाई इसने कर दिखाया है। ड्यूक पर आते हुए बहुत तगड़ी भाग रही है भाई, ड्यूक आ गया बगल में, वो निकला 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 इतना नहीं है, मतलब आसान, लेकिन थोड़ा सा वही है कि आमने सामने चल रही है, ज़्यादा गैप नहीं है, लेकिन मैंने स्लिप स्विमिंग करके थोड़ा आगे आ गया था। पावर कम नहीं है गोरिल्ला में, लेकिन ड्यूक पावरफुल है। चलिए राइडर चेंज करते हैं, थोड़ा सा वेट इंक्रीज़ करते हैं और देखते हैं इंक्रीज़ करने के बाद क्या रिजल्ट होते हैं, ड्यूक जीतेगी कि नहीं जीतेगी। वैसे तो जीत ही जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एडवांटेज तो मिल जाएगा शैडो भाई को, देखते हैं, लेट्स सी। चलो चलो मेरे को नहीं पकड़ पाएगा घंटा ये। अबे भाई इसका हैंडल टेढ़ा ना, थोड़ी सी लॉन्चिंग में इसी वजह से दिक्कत आ रही है भाई। चलो मिला है थोड़ा सा वेट का, एडवांटेज मिला है वेट का, हेड टू हेड लगभग वही निकलता है भाई।
टू हेड है भाई, गजब हेड टू हेड निकली है। तो देखिए वेट का अंतर कितना ज़्यादा होता है, आपने देखा मैंने जब चलाई और जब उसने चलाई। गजब हेड टू हेड चलिए भाई, मज़ेदार। तो अभी आप लोग ने रिजल्ट देख लिए हैं भाई दोनों साइड के, हमारा कहा गजब हेड टू हेड चल रही थी। ये 15 केजी का इफेक्ट है भाई, मैंने बोल दिया पावर टू वेट रेशियो मशीन है। हाँ मैं जब चल रहा था उसमें तो भाई इतनी सी पीछे थी, और जब ये इसमें चले क्योंकि इनका वेट कम है तो भाई बराबर हो गए। तो भाई क्या ही बोले, यहाँ पे वेट का थोड़ा सा एडवांटेज मिल गया भाई को। ठीक है तो इस वीडियो को यहीं पे अब रैप अप करते हैं, होप करता हूँ अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन राइड सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के राइड करिए, मस्त सही सेफ रहिए, बाय बाय।